पार्टी पर सीएम ने जमकर निशाना भी साधा है। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार किया है और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे हैं। सीएम धामी ने एमसीडी चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल से लगातार दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए नजर आ रही हैं। डोर टू डोर जाकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। एमसीडी में भारी बहुमत से फिर से भाजपा की यहाँ एमसीडी की सरकार बनेगी, क्योंकि लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के काम को देखा है, भारतीय जनता पार्टी के काम को देखा है। और दूसरी तरफ जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ कहती थी कि हम काम करेंगे, भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकेंगे, उन्होंने पूरी तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार जमा दिया है। उनके मंत्रियों के लगातार जेलों से भी वीडियो जारी हो रहे हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में दिल्ली से संवाददाता निशांत राय हमारे साथ जुड़ गए। निशांत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लगातार उत्तराखंडी लोगों के बीच में जा रहे हैं, बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए नजर आ रहे, किस तरह का उत्साह लोगों के बीच में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को देखकर नजर आ रहा है? देखिए, पुष्कर सिंह धामी पिछले दो दिनों से दिल्ली में हैं और लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। आज भी उनकी जनसभा है। दरअसल दिल्ली की बात की जाए तो 30 लाख उत्तराखंडी वोटर हैं और बीजेपी इन 30 लाख उत्तराखंडी वोटर्स को टारगेट कर रही है, जिसके चलते ये बेहद अहम हो जाता है कि उत्तराखंड के ऐसा मुख्यमंत्री जिसने पहले उत्तराखंड में इतिहास बदला, अब दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी को मजबूती और ताकत देने की कोशिश कर रहा है। कल जब हमारी सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोग राष्ट्रवाद से जुड़े होते हैं, तो ऐसे में उम्मीद है कि राष्ट्रवाद के नाम पर वो बीजेपी के साथ एमसीडी चुनाव में भी खड़े होंगे। ठीक है निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल से दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में लगभग 30 लाख से ज्यादा उत्तराखंडी रहते हैं और ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब उन लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं तो उनका उत्साह भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में करीब 30 लाख प्रवासी उत्तराखंडी रहते हैं जो एमसीडी चुनाव में किसी भी पार्टी के लिए किंग मेकर साबित हो सकते हैं और इसी वजह से सीएम धामी को बीजेपी ने स्टार प्रचारक बनाया है। धामी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, देखिए। दिल्ली नगर निगम चुनाव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम धामी ने मयूर विहार में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाओं को संबोधित किया। जो देश की चिंता करता है, देश की सीमाओं की रक्षा करता है, देश के प्रहरी के रूप में काम करता है, जो केवल राजनीति के लिए राजनीति में है, उनके साथ उत्तराखंड का समाज कभी नहीं रहता है। वहीं धामी ने यह भी कहा कि दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना लागू नहीं हुई। आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं हो पाई और एक प्रधानमंत्री आवास योजना भी यहाँ लागू नहीं हो पाई। उत्तराखंड जैसे राज्य में 6 लाख से भी ज्यादा लोगों ने आयुष्मान भारत योजना से अपना इलाज करवा लिया है। आपको बता दें कि 30 लाख प्रवासी उत्तराखंडियों की मौजूदगी दिल्ली के एमसीडी चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल का समीकरण बना या बिगाड़ सकती है। Team uses state.